हेलो फ्रेंड्स, सैमसंग की तरफ से अब हमें बहुत ही जल्दी सैमसंग गैलेक्सी M90 देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही इस फोन में आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 जैसा ही सेंटर पंच होल डिस्प्ले और इसी के साथ ही इस फोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M90 के बारे में और जानेंगे इस फोन की डिजाइन के बारे में, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है और जानेंगे इस फोन की प्राइस क्या होने वाला है और लॉन्च डेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी M90 के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात किया जाए इस फोन की डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ आने वाला है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सैमसंग की डिस्प्ले के सामने किसी भी कंपनी का डिस्प्ले नहीं चलता है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की बैक पैनल के बारे में तो बैक पैनल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है इस फोन की कैमरास की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रियर साइड में आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप जिसका मेन सेंसर आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको सैमसंग GW1 का सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको दूसरा सेंसर देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और तीसरा सेंसर देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर। उसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पर आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा जो आपको देखने को मिलेगा पंच होल डिस्प्ले के अंदर। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730 का चिपसेट और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट जो कि सैमसंग की खुद के UI 1 UI के साथ आने वाला है। इसी के साथ ही इस फोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज भी मिलने वाला है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की बैटरी के बारे में तो बैटरी में यहाँ पर आपको मिलने वाला है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को बहुत ही क्विक चार्ज कर पाएंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.5mm का एक हेडफोन जैक और USB टाइप सी पोर्ट और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको 15W का एक फर्स्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली बात आती है इस फोन की प्राइस और लॉन्च डेट की, तो फ्रेंड्स इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 25,000 के अंदर और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में तो फ्रेंड्स ये फोन 2019 के अक्टूबर महीने के एंड तक या फिर नवंबर महीने के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 25,000 के अंदर मिल जाता है सेंटर पंच होल डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप जिसका मेन सेंसर आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर जो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थी सैमसंग गैलेक्सी M90 की प्राइस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट के बारे में कुछ जानकारी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस फोन के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।